Keeping the synergy of education and establishments high, the Department of Chemical Engineering and Technology withholds and grows high with the blessings of Mahamana Madan Mohan Malviya and Professor Gopal Tripathi. The department was established in 1921, christened as Department of Industrial Chemistry of Banaras Hindu University. In 1956, ITBHU renamed it as the Department of Chemical Engineering and Technology. The name continues to be the part even after the institute jetting into Indian Institute of Technology, BHU. जब से इस इंजीनियरिंग एजुकेशन केमिकल इंजीनियरिंग की स्थापना हुई है महामना के समय में या गोपाल त्रिपाठी के समय में हम लोग पूरे भारत में एक अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं चाहे वो एजुकेशन की बात हो चाहे रिसर्च की बात हो और हमें फ़ख्र है गर्व है ये कहते हुए कि हमारे एलुमनाइज आप कहीं पर भी जाएँ किसी भी विभाग में जाएँ या किसी भी क्षेत्र में जाएँ आपको मिलेंगे जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और केमिकल इंजीनियरिंग से पढ़े हुए होंगे. The Department of Chemical Engineering and Technology offers the degrees of B.Tech, M.Tech and Ph.D. along with a harmonious corner to attain knowledge within the infrastructure of Mahamana's classrooms. The department is efficiently equipped with numerous facilities which fulfill the purpose of familiarizing the undergraduate students with the basic as well as intensive principles so that they are able to run their experiments smoothly. मेरा ये मानना है कि केमिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सल डिसिप्लिन है. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री का उपयोग नहीं होता है, चाहे हमारा जूता हो, चाहे हमारा चश्मा हो या कंप्यूटर हो. बिना केमिकल के, बिना प्लास्टिक के, बिना ग्लास के या छोटे पैमाने में बना के बड़े पैमाने पर बिना बनाए उद्योग का विकास नहीं हो सकता. जो हमारे IIT BHU केमिकल इंजीनियरिंग की मेन स्ट्रेंथ है वह है कि यहाँ लेबोरेटरी कंपोनेंट्स, हमको लगता नहीं कि भारत में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें लेबोरेटरी कंपोनेंट लैब्स इतनी बढ़िया हैं. तो हमारे पास UG की पर्टिकुलरली वन ऑफ द बेस्ट लैब्स हैं जिस पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और इस मामले में हम लोग पायनियर हैं. उसके अलावा हमारा जो टीचिंग भी है, क्लासरूम टीचिंग, मेरे हिसाब से हम लोग कहीं किसी भी IIT से इंफीरियर नहीं है. और रिसर्च का अभी IIT बनने के बाद रिसर्च का ग्राफ भी बहुत बड़ा है. इस समय हमारे डिपार्टमेंट में 70 से ज़्यादा रिसर्च स्कॉलर हैं. तो धीरे धीरे हम लोग रिसर्च में भी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन टीचिंग में हम पहले से भी एक्सेलेंस जैसे का तो मतलब पहले से ही बहुत आगे थे. एक्सेलेंस आप कहते हैं और इस अब भी है पर्टिकुलरली लैब कंपोनेंट में. मैंने जो काम किया है, मेरा वर्क था बनाना फाइबर को यूज़ करके बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने का. तो हम लोगों ने वैसा ही काम किया और फिर अब जा करके हम लोग ऐसी प्लास्टिक फिल्म बना ली हैं जो कि एज अ फूड पैकेजिंग यूज़ हो सकती हैं. यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, फैकल्टी भी बहुत सपोर्टिव है और हम लोग को इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मिली है. हर लैब में इंडिविजुअल सबके पास अपना जो भी, जैसे हम लोग को टेस्टिंग में गैस क्रोमेटोग्राफी वगैरह का यूज़ होता है तो वो हर लैब में इंडिविजुअल है. उसके अलावा हम लोग जो भी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, सैम या फिर टैम, जो भी है मतलब इंस्टीट्यूट में फैसिलिटी है. एक यहाँ पर सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी है बना हुआ है CIFC, वहाँ पर भी सारे हर तरह की फैसिलिटी है. अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, the department also encourages the students to take part in extracurricular activities to bring excellence in life. The department has a Society of Chemical Engineering to build a connection between the graduate, postgraduate, as well as the PhD students. This society also organizes a festival commonly known as Osmose, which features lecture sessions headed by renowned speakers and events such as quiz, debate, knowledge and skill trainings and many more programs to boost up the students to perform significantly both in and out of their academic lives. सबसे बड़ा एडवांटेज IIT BHU का है वो ये है कि हम एक बड़ी यूनिवर्सिटी जो कि अपने आप में एक कंप्लीट यूनिवर्सिटी है उसका पार्ट है BHU का. सपोज़ एक कोई मैं मेडिकल इक्विपमेंट बना रहा हूँ जिसका मुझे प्रयोग करना है, आई कैन कोलैबोरेट विद द मेडिकल कॉलेज ऑफ द BHU IMS.
as I was in talk with different alumni of this college, we have a very strong alumni team over here, and I talked to them, and one thing from which I was very impressed was, he told me that you will be getting life of Delhi, Bombay, Kanpur after you have graduated from the college, but the life at Banaras you will only be getting if you will choose IIT BHU over here. And this is what this antiquity is about, the purest form of knowledge and empowerment of not just one mind, but the society in whole.